सो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। यार काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल स्टार्ट हो गई है प्रक्रिया का, शेड्यूल जो है आ चुका है और बच्चे में बड़ी धुकबुक हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यार उनको एक समस्या है कि वो नए हैं इस फील्ड में, आइडिया उनको है नहीं कि आखिर क्या किया जाए, मेरी ये रैंक है और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं मेरे पास, क्या बेस्ट ऑप्शन होगा, ये सारी जानकारी बच्चों को चूंकि है नहीं तो वो घबरा रहा है। और बिल्कुल घबराने की जरूरत भी है। क्यों है? क्योंकि भैया आखिर भविष्य का सवाल है, अगर हम घबराए नहीं और हमने हल्के में ले लिया इस प्रक्रिया को तो दिक्कत हो जाने वाली है। तो इसी का समाधान करने के लिए हम यहां हैं आपके पास और आपके साथ आपका सपोर्ट करने के लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है प्रेडिक्टर की, जिसमें आपकी रैंक पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट हो सकता है, क्या स्पेशलाइजेशन मिल सकती है इस पर्टिकुलर रैंक पे। और बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज है, कोई ज्यादा नहीं है, गोली बिस्किट वाला चार्ज है। दूसरी चीज मेंटोरशिप का प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भविष्य के साथ अगर हम खिलवाड़ कर देंगे तो फिर भविष्य बाद में आपके साथ खिलवाड़ कर देगा। जी ये सच्चाई है, क्योंकि वही चार लोग जो आज आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके रिश्तेदार, फिर चार साल बाद आके वो आपको सुनाएंगे कि ले कर लिया तुमने, पैसा बर्बाद, समय बर्बाद और बेइज्जती करवा दी हमारे खानदान की। सो ये सारी चीजें अगर हमें नहीं करवानी है सो एक मेंटोरशिप के द्वारा मेंटर आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या आपकी रैंक पे अच्छे ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। क्योंकि चॉइस फिलिंग हमें करनी है, सो चॉइस फिलिंग भी उसी क्रम में आपको कराई जाएगी, आपके पूरे डाउट्स रिजॉल्व किए जाएंगे और आपको बिल्कुल साथ में सहयोग किया जाएगा, वीडियो कॉल, कॉल और इन सारे माध्यम से आपके डाउट भी रिजॉल्व किए जाएंगे और एक अच्छी स्पेशलाइजेशन, अच्छे इंस्टीट्यूशन को चूज करने में आपकी सहायता करेंगे। सो ये लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज है और सपोर्ट जीवन भर का। चार साल बाद आप ही कहोगे कि सर अच्छा रहा कि मैंने वो मेंटोरशिप प्रोग्राम ले लिया ताकि हमारा एक अच्छा फ्यूचर सुनिश्चित हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? तीसरा ऑप्शन है कि अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है साथ। सो उन काउंसलिंग की गाइडेंस के लिए पूरा कोर्स हमने यहां दे के रखा है, सो उनको भी अवेल कर सकते हैं। अगर कोई अलग काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं सो कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें भी आपको वहां बता दी जाएगी। सो उनका फायदा उठाइए। मेंटोरशिप में गिनी चुनी सीटें ही हम यहां पे बच्चों को ले रहे हैं ताकि हमारे पास भी रश ना हो, हम ज्यादा बच्चों को केटर नहीं कर पाएंगे। सो पहले आइए पहले पाइए का ये कॉन्सेप्ट है, नहीं तो फिर बाद में पछताइए। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं कि एक वीडियो थी और वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर रहे थे अपनी रैंक को लेके, वो बड़े परेशान हैं। तो कुछ बच्चों को तो हम यहाँ पे कंसोल कर दें कि उनको बता दें कि कैसे आखिर ये प्रेडिक्टर से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रैंक पे क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। एक बच्चा जो है तो ये वीडियो में आए थे, बहुत सारे कमेंट आए थे है ना, और इसमें ये हाँ घूमे वाला, ये भैया घूमते रहते हैं, इनका लोगो भी ऐसा ही है कि वर्ल्ड में ये घूम रहे हैं। ठीक है, घूमे वाला का कहना है कि भैया हम झारखंड से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग कर रहे हैं? ये झारखंड के हैं ये घूमे वाला है ना, और झारखंड से होने के बाद इनकी सीआरएल रैंक है 479,79। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट हैं ये और ओबीसी रैंकिंग इन्होंने बताई, हालांकि इसका कोई आवश्यकता थी नहीं, इनको चाहिए है सीएससी ब्रांच एलएनसीटी में। एलएनसीटी आपको बता दें भोपाल में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और भैया सीएससी 4.5 लाख की रैंक पे आपको नहीं मिल पाएगी। देखो ये बहुत सिंपल सी बात है, सच्चाई बात है, इतना खराब इंस्टीट्यूशन नहीं है, बच्चे प्रेफर करते हैं। और आप सीएससी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इस रैंक पे एलएनसीटी क्या कहीं नहीं मिल पाएगा। हाँ अगर चंगू मंगू वाले कॉलेजेस आप लेना चाह रहे हैं तो जरूर मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। अगर केवल सीएस ही चाहते हैं, कॉलेज से आप कंप्रोमाइज करना चाहते हैं सो सीएस मिल जाएगी, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है भैया सीएस इस रैंक पे मिल पाना। लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम यहां आपको बता दें कि बाकी बच्चे भी बहुत सारे यहां पे क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और उनके कमेंट के लिए मैं यहां पे बता दूं आपको प्रेडिक्टर के माध्यम से अपनी रैंक पे आप स्वयं ही ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है ना, इसमें आपको क्या करना है, आपको गूगल बाबा के पास पहुंचना है और गूगल बाबा से मंत्र उच्चारित करते हुए बोलना है, क्या करना है, studentkhabri.com या केवल studentkhabri मंत्र भी चल जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे सो गूगल पे एक वेबसाइट ओपन होने वाएगी। तो ये दिख रही है ना आपको studentkhabri, इस पे क्लिक करेंगे सो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और जैसे ये वेबसाइट आप खोलेंगे सो इसको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आपके पास ऑप्शन होंगे मेंटोरशिप और गाइडेंस। जी हाँ, और इसमें थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे सो ये ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑल प्रेडिक्टर की लिंक मिल जाएगी, कोर्सेज की लिंक यहाँ मिल जाएगी, सीधा क्लिक करना है अगर आप अलग अलग कोर्सेज के बारे में काउंसलिंग कोर्सेज की जानकारी चाहते हैं तो। मेंटोरशिप के लिए जो मैंने बता दिया है कि गिने चुने पार्टिसिपेंट्स ही हम यहाँ पे ले पाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे एमपीडीटी जोसा ये ऑप्शन भी, क्योंकि जोसा भी स्टार्ट हो ही रही है, सो हमने क्या करना है एमपीडीटी वाले प्रेडिक्टर पर क्लिक करना है और एक नॉमिनल सा चार्ज यहां पे लगेगा और ये ओपन हो जाएगा आपके लिए, जिसमें आप कितनी भी बार रैंकिंग चेक कर सकते हैं।
ठीक है। सो भैया ये रैंक है, अब रैंक हमने ले ली भैया, मान लीजिए 4.5 लाख की रैंक है इनकी, ठीक है 4.5 लाख की रैंक है और ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी में हमने ओबीसी एक्सओपी सिलेक्ट कर ली, राउंड वगैरह सारे हम सिलेक्ट कर सकते हैं या पर्टिकुलर राउंड पे भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, है ना, और ब्रांच भी चेक कर सकते हैं, सीएस चाहिए इनको, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं ऑल ब्रांचेस, ताकि हमें ये तो पता चले 4.5 लाख की रैंक पे आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है, प्रिडिक्ट कर देना है। और प्रिडिक्ट करके भैया यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, जी हाँ ये आड़े टेढ़े सड़े कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आपको मिल रहे हैं, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट बैतूल का ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ सीएस मिल जाएगी आपको, है ना, सो चंगू बंगू है, सती में आई ऑन आई नॉट मिल जाएगा, आई नॉट मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है, हाँ ये यहाँ पे, हाँ जबलपुर वाले LNCT, साथ ही साथ यहाँ पे हाँ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ITM, हाँ ये ग्वालियर का है, सो ऐसे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं 600 से ज़्यादा एंट्रीज आपको यहाँ दिख रही है इस रैंक पे, और ये ऑप्शन में आपको ब्रांचेस सारी मिल जाएंगी, अगर कॉलेज से कंप्रोमाइज़ करेंगे चंगू मंगू कॉलेजेस में जा सकते हैं। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही आप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, हाँ प्राइवेट आपने सोच ही लिया कि बहुत बड़ी रैंक है, अब एक काम करो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही हम चले जाते हैं, सो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का क्या है कि इजीली आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, वहाँ की फैकल्टी ही मिल जाएंगी जो कहेंगे चलो मैं एडमिशन करा देता हूँ आपको, और उनका उनको क्या है कुछ बोनस मिल जाएगा, सो ऐसी प्रक्रिया से दूर रहना है, क्यों रहना है, क्योंकि भाई इसमें आपका ही लॉस है, आपको फिर 2 लाख रुपये 1 लाख रुपये की फीस लगेगी वहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा फीस होती है, सच्चाई यही है, हमारे पास भी वही ऑप्शन इस बार से स्टार्ट हो गया है वो, कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हम दिला देंगे, एक नॉमिनल सा चार्ज है उसमें आपसे ही ये चार्ज लिया जाएगा, लेकिन आपसे एक्स्ट्रा फीस वहाँ जो लगती 70-80 हज़ार में आपका एडमिशन कराएंगे, उसका जो भी मिनिमम से मिनिमम चार्ज होगा उस फीस में आपका वहाँ एडमिशन हो जाएगा, लेकिन याद रखिए ये कुछ ही इंस्टीट्यूशन के लिए, हाँ सब में हम नहीं जाएंगे ऑब्वियसली बात है, और पहले आइए पहले पाइए वाला काम, कुछ ही बच्चों के लिए हम ये प्रक्रिया रख रहे हैं, ताकि बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी भविष्य से खिलवाड़ ना हो, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे करते हैं, लोग ऐसे करते हैं जो कहीं भी आड़े टेढ़े, अब भाई झारखंड का वो व्यक्ति है और झारखंड वाला बच्चा, उसको क्या ही पता MP में कौन सा इंस्टीट्यूशन अच्छा है, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, और वहाँ उनके गुणगान भी मिल जाएंगे कि ये करते हैं वो करते हैं फलाना ढिमाका, लेकिन सच्चाई यही है कि ना प्लेसमेंट मिलेंगे ना 4 साल बर्बाद होंगे, फीस अलग लग जाएगी, सो ये सारी चीज़ों से बचना है, और इन सब के लिए ये ऑप्शंस हमने प्रोवाइड करे हुए हैं, सो आपको दोस्तों मैं भी शेयर कर देना है, ताकि उनका भी भला हो जाए, वो भी ऐसी किसी गलत हाँ एक्टिविटी में ना शामिल हो जाए कि वो अपना और घर वालों का नुकसान करा बैठे, ठीक है। सो ये मैंने बता दिया है प्रेडिक्टर कैसे आप यूज कर सकते हैं, बड़ी ही सिंपल सी प्रक्रिया है, साथ ही साथ मेंटोरशिप का प्रोग्राम भी आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये केवल गिने चुने पार्टिसिपेंट्स के लिए बिल्कुल, और इसके बाद हम फिलहाल ये तो जानकारी आपको प्रोवाइड कराते ही रहते हैं, अलग अलग कोर्सेज काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए, सो उसकी भी जानकारी आपको ऑल प्रेडिक्टर्स के माध्यम से मिल जाने वाली है, कोर्सेज की लिंक उसमें मिल जाएगी। सो भाई ये रही इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए भूलना नहीं है डिस्क्रिप्शन में ये सारी लिंक दे दी गई है, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और मिलेंगे तब तक के लिए, जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and